हाय स्टूडेंट्स, माय साइट इज कोई भी स्टूडेंट से यदि मेरा ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें इस साइट में मेरी ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, बच्चे को तीन टैब पर क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाना होगा, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन एडमिशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर अपने आप मिल जाएगा, एडमिशन डेट आ जाएगी। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन, हमारे 7 इंस्टीट्यूट्स जो भी जितने इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ पर हैं उसमें आप क्लिक करके उस इंस्टीट्यूट्स पे हम डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। सनराइज कंप्यूटर पर हमने क्लिक किया, हमने मेन इंस्टीट्यूट मेन ब्रांच जो है वो स्टूडेंट्स का जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर डाल देंगे। अजमली से AKSHY अक्षय कुमार। सेलेक्ट कोर्स, किस कोर्स के लिए वो एडमिशन बच्चा लेना चाहता है, वो एडमिशन उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग उस कोर्स को यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चूज पिक्चर, यहाँ पे चूज पिक्चर, बच्चे के पिक्चर्स जो भी फोटोज़ होगा वो फोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी बच्चे का पिक्चर लेना है पिक्चर चूज़ करेंगे और वो पिक्चर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर आ जाएगा, फादर नेम जो भी डालना होगा वो फादर नेम फिल कर देंगे, मदर नेम, जेंडर क्या है, स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कास्ट क्या है, करंट एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट, इसके बाद सेव योर रिकॉर्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छे का एडमिशन इस तरीके से हो जाएगा। अभी कोई एरर्स आ रही है, प्रॉब्लम्स है कुछ साइट पे, इस वजह से इसी तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स जोन पर जा कर के तो एडमिशन बच्चे का हो जाता है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पे उसका आईडी डाल करके हम इसको चेक कर सकते हैं।
बच्चा का जो इग्नोरमेंट नंबर्स होगा वो डालेंगे 210463। और हमने जैसे क्लिक किया तो वो रिकॉर्ड्स आपका यही हमने अभी भरा था, अक्षय कुमार या अनिल कुमार और CCO के लिए एडमिशन किया था, ये आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो होता है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना रिकॉर्ड्स जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स पे जाते हैं, स्टूडेंट जोन पे जाते हैं, ये वेरिफिकेशन हो गया, हमारा एडमिशन हो चुका है। इसी प्रकार से हमें सर्टिफिकेशन आता है, यदि हमें सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है तो हम सर्टिफिकेट जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे हम लोग उसका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, जो भी नाम होगा SR8067 नंबर डालेंगे। इसके बाद सर्च योर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपना अपने साइट अपना जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट आपका जैसा सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाई दे जाएगा। Okay, guys.